जहाँ जाना मतलब मौत को दावत देना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आइलैंड के बारे में जहाँ केवल सांप रहते हैं, जिसे हम स्नेक आइलैंड के नाम से जानते हैं। हालांकि इसका वास्तविक नाम इलाहादा क्यूमादा आइलैंड है, लेकिन इस आइलैंड पर केवल सांप ही सांप रहने के कारण इसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये आइलैंड ब्राज़ील देश के साओ पाउलो शहर से करीब 144 किलोमीटर दूर है। इस जगह पर कोई इंसान अगर गलती से चल जाए तो उसका जिंदा लौट के आना बहुत ही मुश्किल है। यह आइलैंड देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन इसके अंदर सांपों की खतरनाक दुनिया है। यहाँ एक से एक विषैले सांप पाए जाते हैं। यहाँ ऐसे सांप भी पाए जाते हैं जो अगर इंसान को काट ले तो उसका मांस तक गला देती है। यही वजह है कि ब्राज़ील सरकार ने इस जगह को आम लोगों के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। यहाँ केवल वही लोग जा सकते हैं जो सांपों के विशेषज्ञ हैं या वैज्ञानिक हैं, जो उस जगह पर रिसर्च करने के लिए जाते हैं। उन्हें भी सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। यह जगह इतना खतरनाक माना जाता है कि सांपों के विशेषज्ञ भी इसके अंदर जाने से कतराते हैं। इस आइलैंड पर 4000 से भी अधिक अलग अलग प्रजातियों के खतरनाक और विषैले सांप पाए जाते हैं। यहाँ सांप की एक ऐसी प्रजाति है जो हवा में उछलकर अपने शिकार को पकड़ लेती है। इसे उड़ने वाला सांप भी कहा जाता है। हालांकि उड़ने वाले सांपों की एक प्रजाति एशिया में भी पाई जाती है। यहाँ खतरनाक वाइपर प्रजाति के सांप भी पाए जाते हैं। आपने कोबरा और ब्लैक मांबा जैसे खतरनाक सांपों के बारे में सुना होगा, जो इंसान को काट ले तो उसका बचना मुश्किल होता है। लेकिन इस आइलैंड पर सबसे विषैले सांपों की प्रजाति रहती है, जिसे गोल्डन लांस हेड वाइपर के नाम से जाना जाता है, जो इस आइलैंड के अलावा और कहीं नहीं पाया जाता। ये बेहद फुर्तीला सांप होता है। इसकी लंबाई आधा मीटर से ज़्यादा होती है। ये सांप अगर शरीर में कहीं काट ले तो वहाँ का मांस पिघल जाता है। इसके काटने पर तुरंत मौत हो जाती है। यह पेड़ों पर चढ़कर आसानी से घोंसले में से चिड़ियों का शिकार बना लेते हैं। इस सांप को लेकर कई कहानियाँ भी प्रचलित है। लोग ऐसा कहते हैं कि एक मछुआरा एक दिन द्वीप पर केले तोड़ने गया था, उसे इस सांप ने काट लिया। जैसे ही उसे सांप ने काटा, वह तुरंत नाव की ओर भागने लगा, लेकिन उसकी वहीं मौत हो गई। और कितने लोग इस आइलैंड पर इस सांप के शिकार हुए हैं। यह द्वीप शुरू से ऐसा नहीं हुआ करता था। ब्राज़ील नौसेना ने इस द्वीप पर एक लाइट हाउस भी बनाया हुआ है। यहाँ पहले नौसेना का कर्मचारी अपने परिवार के साथ रहा करता था, लेकिन एक दिन अचानक सांपों के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन सांपों के झुंड ने उन्हें घेर लिया और वे सब के सब मारे गए। जब नौसेना यहाँ पहुँचे तो सारा परिवार मरा मिला था। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस आइलैंड पर इतने सारे सांप आखिर कहाँ से आए। इसको लेकर अक्सर यहाँ रिसर्च होते रहते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इतना खूबसूरत आइलैंड आखिर स्नेक आइलैंड कैसे बन गया।